हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ओ वुमेनिया। टुडे वी आर विद वेरी यंग सोशल एक्टिविस्ट अस्मा खान। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। वेलकम अस्मा। थैंक यू सो मच। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, लाइक यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट, तो आपने कब सोचा कि मुझे सोशल वर्क में जाना चाहिए? मुझे लगता है कि सोशल वर्क में जाने के लिए कोई ऐसा टाइम नहीं चाहिए होता है एक्चुअल में, लाइक कि कब हमें जाना है या कब शुरू करना है। मेरा जब मुझे समझ में आया कि मेरे कंट्रीब्यूशन की हमारी सोसाइटी में ज़रूरत है, वो स्टेज थी जब मैं कोई 16-17 साल की रही होंगी। मेरा फैमिली इस तरीके का है, मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, तो हम लोग हमेशा से सरकारी अस्पतालों पे ट्रस्ट करते आए हैं, तो वहाँ जाते थे, तो इतने सक्षम थे कि हम अपना खुद कर पा रहे थे चीज़ें। बट वहाँ पर कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते थे, और 6 साल पहले जाएं और हम तब सरकारी अस्पतालों की स्थिति देखें तो और ज़्यादा उस तरीके की होती थी कि आपको कई बहुत पेन फील होता था लोगों को देख के। तो या तो मैं वो चीज़ फील करके घर पे बातें करने कर लेती और वहीं पे ख़त्म कर देती, बट आई थॉट मेरा कुछ क्या रोल हो सकता है इस चीज़ में। तब मैंने सोचा कि इन लोगों के लिए जो यहाँ पर हैं, मुझे कुछ तो करना चाहिए। वो कुछ तो वाला जब शुरू हुआ मन में चलना, एट दैट टाइम उसको मैं टर्निंग पॉइंट कह सकती हूँ कि मैंने अपने लेवल पे चीज़ें शुरू की। अब वो बहुत सारी चीज़ें थी कि हम उनको मेडिकली कैसे असिस्ट कर सकते हैं, उनको कैसे गाइड कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके कैसे अवेयर कर सकते हैं, उन्हें उनके राइट्स को लेके, हेल्थ राइट्स को लेके, उनके अदर राइट्स को लेके कैसे बता सकते हैं कि आपके पास ये सारी चीज़ें, आप इतना परेशान ना हो, ज़रूरत नहीं है उसकी। उनको जो चीज़ अवेल नहीं हो पा रही, उनको कैसे अवेलेबल करा सकते हैं। तो उस तरीके से जब मैंने लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू किया, तो वही वो स्टेज थी जब मुझे लगा कि ये ही मेरे लिए सही वे है, यही मेरे लिए सही स्पेस है जहाँ पर मैं काम करूँगी। अस्मा, हेल्थ के अलावा ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आप काम करती हैं, उनके बारे में हमें बताइए। हेल्थ के अलावा मेरा जो वर्किंग इंटरेस्ट है, मैं बच्चों से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो मेरा मतलब कोशिश रहती है कि मैं बच्चों से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ों से जुड़ सकूँ, चाहे वो उनके रिहैबिलिटेशन को लेकर हो, चाहे उनके प्रोटेक्शन को लेकर हो, चाहे उनके एजुकेशन को लेकर हो। इसके अलावा महिला, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि महिलाओं की हमारी सोसाइटी में अभी क्या सिचुएशन है या फिर क्या हो सकती है, तो उस पर भी मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है काम करना, और मैं करते आई हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस के कई सारे केसेस आते हैं, कई सारे रेप विक्टिम्स से मेरी बातचीत हुई है कई केसेस में, तो मैंने कई केसेस इस तरीके से कोऑर्डिनेट किए हैं। ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरा काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रहा है हमेशा से, तो मैं उस पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ। तो अल्टीमेटली मेरा जो वर्किंग है वो हेल्थ और बच्चों और महिलाओं के प्रोटेक्शन पे है। इसके अलावा मैं जेंडर इक्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा दम से रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है आज की सोसाइटी। एग्जैक्टली, तो जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा तो ऐसा है कि अगर हम उसे सॉर्ट आउट कर पाए तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होने लगेंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो जेंडर इक्वालिटी को लेके भी मैं बात करती हूँ कई बार। यू हैव कम्प्लीटेड 6 ईयर्स, आपने 6 साल से सोशल वर्क कर रही हैं, तो हाउ वॉज योर जर्नी, क्या क्या हर्डल्स आपको फेस करने पड़े फील्ड पे, ऑन फील्ड? हाँ, ये तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि मैं क्या, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम फील्ड पर आते हैं तो एक चीज़ ऐसी नहीं होती है जो आपको परेशान करती है काम करने के लिए, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको रेगुलर चैलेंजेस की तरह आपके सामने आते जाती हैं, और आपको ओवरकम कैसे करना है उनको, वो आपको देखना पड़ता है। तो मेरे लिए सबसे जो शुरुआत हुई थी, क्योंकि मैंने 16-17 साल की उम्र में शुरू कर दिया था, स्कूल की स्टूडेंट थी, तो एक तो यही था कि लोग सीरियसली नहीं लेते थे, उनको लगता था कि ठीक है कोशिश कर रही है इस तरीके से। तो लोगों को पहले ये यकीन दिलाना या उनके उनके सामने आपका ऐसा इमेज बिल्ड करना कि आपको वो सीरियसली लें, पहले तो वही एक चैलेंज था कि अपने आप को सीरियसली कैसे प्रेजेंट किया जाए। दूसरी चीज़ एक फैमिली रहती है, मैं जिस तरीके की फैमिली से आती हूँ, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं हमारे यहाँ लोग, जो लड़के हैं हमारे यहाँ के वो काफ़ी सारी फील्ड्स में जाते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी जॉब्स में हैं, बट लड़कियाँ कभी नहीं की ऐसा कुछ, सोशल वर्क या पढ़ाई नहीं की। तो वो एक बड़ी चीज़ थी कि घर वालों को कैसे कन्विंस किया जाए कि मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा है। फिर जो प्रॉब्लम आई वो इस तरीके की थी कि मैं अब कैसे घर में समझाऊँ, पापा मम्मी को कैसे बताऊं कि मैं इस काम के लिए जाना चाहती हूं, मैं ब्लड डोनेशन के लिए जाना चाहती हूं, मैं किसी केस को हैंडल करने के लिए जाना चाहती हूं। तो उनके लिए तो वो एकदम नया था ना। अब एक ऑप्शन ये था कि मैं उनसे लड़ने लगूं, फाइट करूं कि झगड़ा करूं इस तरीके से करूं, या दूसरी चीज़ थी मैं उनको समझा पाऊं। तो मैंने दोनों चीज़ें अपनाई, मुझे कई बार घर में लड़ना भी पड़ा, कई बार उनको समझाना भी पड़ा,
बट एक चीज़ जो थी फैमिली को लेके जो हर्डल मुझे आ रहे थे उसको फेस करने के लिए मैंने एक चीज़ मन में बना ली थी कि परिवार को नाराज़ कर दूंगी, मम्मी पापा को हमेशा लड़ लूंगी, बट कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी कि वो शर्मिंदा हो, उनको डिफेम फील हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत पावर देती थी और मैं हर बार मम्मी पापा से ये बोलती भी थी कि मैं आपसे लड़ के चले जाऊंगी, कई बार आपसे छोटे मोटे झूठ भी बोल दूंगी, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं कभी भी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगी। तो वहीं से हमारी लड़ाई झगड़े वाली ट्यूनिंग भी बराबर चलती रही, 6 साल हो गए, उसके बाद भी आज भी झगड़ा होता है मम्मी पापा से सोशल वर्क के किसी काम को लेके, बट मैं कर पाती हूँ, कर लेती हूँ, मुझे पता है कहीं ना कहीं मम्मी पापा का सपोर्ट रहता ही है। ये तो वो आपके फैमिली ने जो आपको सपोर्ट नहीं करा पर वो लास्ट में सपोर्ट करती हैं, बाकी फील्ड पे कभी ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुए हो या किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया हो आपके काम के लिए? देखिए हर रोज़ इस तरीके के चीज़ें आता है क्योंकि बीइंग अ गर्ल मैं जानती हूँ और आप भी जानते हो कि हमको कैसे अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अंडर एस्टिमेट करने के अलावा एक हमारा जिस पेट्रियार्की जो है हमारी सोसाइटी में है, तो उस पेट्रियार्की को चलते ये है कि अगर मेरे तरीके का काम अगर कोई पुरुष साथी कर रहा है तो ठीक है, मुझे अप्रिशिएट ज़्यादा किया जाएगा ये बोलकर कि महिला होकर, तो मैं वो नहीं सुनना चाहती। मैं किसी भी जगह पे किसी भी फील्ड पे ये नहीं सुनना चाहती कि मेरे कंपैरिजन में कोई खड़ा हो और कोई मुझसे ऐसा बोले कि वो तो लड़का है उसने कर दिया, महिला होके भी इन्होंने ऐसा किया। व्हाई? इक्वालिटी मींस ऐसा नहीं है कि मुझे सुपीरियर करके खड़ा कर दो अगर मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ और किसी पुरुष को इन्फीरियर कर दो। इक्वालिटी मींस उसने जो काम किया है वो कर पा रहा है और वैसे ही काम मैं कर पा रही हूँ तो हम दोनों इक्वली अप्रिशिएबल हैं। तो ये भी मुझे चैलेंज की तरह लगा, मैं कैसे लोगों में ये चीज़ पुट कर पाऊँ कि प्लीज़ मुझे इक्वल एज, मतलब मुझे आप लड़की जैसे वो मत टैग मत लगाओ, हम बराबर हैं। तो एक चीज़ थी। बताइए फ्यूचर प्लान्स, अभी आगे, अभी तो ये सोशल एक्टिविटीज़ में आप इतना कर रही हैं, आप एजुकेशन में क्या करती हो और आप आगे करना क्या चाहती हैं, फाइनली व्हाट इज़ योर एम? अभी लास्ट ईयर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बीएससी किया है मैंने मिलिट्री साइंस से और रिसेंटली मैं एमएससी कर रही हूँ मिलिट्री साइंस से ही। तो मेरा पढ़ाई जो कर रही हूँ उससे समझ आता है कि मैं मिलिट्री, मुझे आर्म्ड फोर्सेस में काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं शुरू से एसएसबी देकर एक ऑफिसर पोस्ट पर जाना चाहती हूँ। इसके अलावा अब क्योंकि अभी एज ही इस तरीके की, हम बहुत सारे वेरिएशन आते रहते हैं हमारे सोचने में, कोई कहता है आप पॉलिटिक्स में चले जाना, कोई कहता है आप एक्टिविज्म कंटिन्यू रखना, तो ये सारी चीज़ें तो चलते रहती हैं। लेकिन मेरा जो फ्यूचर प्लान है वो इस तरीके का है कि मैं जो भी करूँ वो इस तरीके का हो कि सोसाइटी को या कंट्री को मैं कहीं ना कहीं सर्व कर पाऊँ। तो वो फील्ड कुछ भी हो, मेरा इस तरीके का रहा है कि मैं हर रोज़ कोई चीज़ सोचूँ, कुछ चीज़ करूँ और उस पर अपना हार्डवर्क देकर उसको अचीव कर पाऊँ। तो इस तरीके की कोशिश है मेरी। आर्म फोर्सेस अभी प्लान है, आर्म फोर्सेस के अलावा अभी पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी है। मैं इंटरनल सिक्योरिटी पे रिसर्च करना चाहती हूँ कि हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ क्या है, लाइक चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसा इशू है, महिलाओं से रिलेटेड है, यूथ का एम्प्लॉयमेंट का जो एक इशू है, ये सारे लोग इंटरनल सिक्योरिटी को हर्डल करते हैं, तो मैं इस पर एक रिसर्च करना चाहती हूँ। ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है जो मैं फ्यूचर में अचीव करना चाहती हूँ। होप आपका वो ड्रीम ज़रूर अचीव हो, हम लोगों की बहुत अच्छे अच्छे विशेस आपके साथ है। और उसमें लास्ट में मैं एक मैसेज चाहती हूँ हमारे जो भी ऑडियंस हमें देख रही है उसके लिए कि आप क्या एक मैसेज उनको देना चाहती हैं? मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, इस इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से जो मैं मेरी बातचीत हो पाई उसके थ्रू मैं यही लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अगर ह्यूमन बीइंग हैं, अगर आप सोसाइटी का पार्ट हैं, यानी कि आप सामाजिक हैं, तो समाज के लिए काम करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। ये नहीं है कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ इसीलिए अच्छे काम कर रही हूँ या फिर सोशल वर्क कर रही हूँ। आपको इसीलिए करना है क्योंकि आप भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, पहले तो ये। दूसरी चीज़, ड्रीम कोई एक नहीं रखिए, हर रोज़ नया ड्रीम देखिए और उसको पूरा करने के लिए ना लग जाइए और उसको पूरा कीजिए। तीसरी चीज़ जो मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स हैं ना, उन सबको इक्वली कंसिडर कीजिए। जानवर से लेके, इंसानों से लेके, बच्चों से लेके, महिलाओं से लेके, आप किसी की मदद ये देख के मत कीजिए वो कहाँ से क्या और कैसे बिलोंग करता है। आप मदद ऐसे कीजिए कि आप भी इंसान वो भी इंसान। तो इसी तरीके का मेरा मैसेज है, जीवन को खुल कर जिए, अपनी लाइफ को फुलेस्ट लेवल पे इंजॉय कीजिए क्योंकि कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि सभी लोग एक दूसरे के लिए रहें, दैट्स इट। थैंक यू सो मच अस्मा आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए और इतना अच्छा मैसेज जो आपने हमारी ऑडियंस के लिए दिया है उसके लिए। थैंक यू। सो आज मेरा ओ वुमनिया के साथ में एक बहुत प्यारा सा इंटरव्यू था और सबसे अच्छी बात जो ओ वुमनिया की है कि वो महिलाओं पे बेस्ड अच्छी अच्छी चीज़ों को हमारे बीच रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इस अच्छे वाले कोशिश को और लोगों तक पहुंचाना है, तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सामने और इस तरीके के अच्छे वीडियोज़ आ सकें।